हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड की। तो क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत में रेणुका कहती है कि आखिर तुम किसकी बहू हो और तुमने आखिर इतना लंबा मुँह क्यों बनाया हुआ है अपनी शादी में, और हमारे घर से खुशियाँ कहाँ चली गईं। तभी रोशनी, यहाँ पर खुशी खुशी शादी की है ना तुमने तेजस से, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, तुम इतनी अलग क्यों रख रही हो। रोशनी कहती है मैं अपसेट हूँ मेरे फादर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी अटेंड नहीं करी। रोशनी समझती है उसका पॉइंट और कहती है कि मुझे इस मैटर से कैसे ना कैसे निजात पाना होगा। रोशनी कहती है मुझे गेम खेलना है रिंग वाला, और इसीलिए आप लोग दूध डालिए बाउल में। इमिडिएटली रेनू का ऑर्डर करते सियाली को कि जाकर के कंगने के लिए, रस्म के लिए वो दूध का कटोरा लाओ। सचिन यहाँ पर रेणुका का मजाक उड़ाता है, तेजस का भी, लेकिन सयाली उनकी हेल्प करती है सारे रिचुअल को परफॉर्म करने में। सचिन नहीं चाहता कि वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे, लेकिन सयाली उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ यहाँ पर रहो कम से कम सारे रस्मों के पूरे होने तक। सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, सचिन कहता है कि फर्स्ट अर्निंग यहाँ पर तुम्हारी डेकोरेशन की कहाँ है। सयाली कहती है मैं सारे पैसे ये तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये पैसे मेरी खुशी से रखो। और यहाँ पर सचिन कहता है कि क्यों मैं अपनी बीवी की कमाई खाऊंगा। सचिन अप्रिशिएट करता है सयाली के एफर्ट, लेकिन उसे एनकरेज करता है कि तुम ऐसा ही अच्छा काम कंटिन्यू रखो ताकि तुम अपने ही पैरों पे अपने लिए खड़ी हो पाओ। सचिन यहाँ पर कहता है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपने लिए और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी खड़ी होती हो, अदरवाइज सभी लोग तो तुम्हारे को इंसल्ट करते रहते हैं। सचिन यहाँ पर डरता है कि कहीं रोशनी भी सयाली के साथ मिसबिहेव करना शुरू ना कर दे, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती है और रेणुका उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी जैसे रोशनी को वो करने वाली है। रोशनी यहाँ पर अपनी माँ को उसने खुद चुना है, उसकी सासू माँ को, ऐसा सयाली कहती है। सचिन कहता है यहाँ पर कि हमें भी ये एक्सेप्ट करना होगा कि मिस बिहेवियर हम भी रेणुका से करते हैं, लेकिन वो भी करती है। सचिन कहता है कि हाँ, ये वाला बिल्कुल सही टॉपिक है तुम जो कह रही हो कि हम दोनों को कभी भी प्यार आई का नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब ये बात ख़त्म करो। यहाँ रिया जाती है आकाश से मिलने रेस्टोरेंट में खाना टेस्ट करने के लिए, जो कि आकाश ने बनाया होता है। रिया अप्रिशिएट करती है टेस्ट का। वो दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के से छुपाने की कोशिश करते हैं। रिया धीरे धीरे प्यार में पड़ जाती है उस खाने के, उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। सयाली यहाँ पर इंसिस्ट करती है सचिन को कि वो उससे पैसे ले ले उसकी पहली कमाई के, लेकिन सचिन है कि वो कोई भी पैसे नहीं लेना चाहता, बट सिंपली वो मना कर देता है। सयाली इमोशनली अटैच है यहाँ पर सचिन के साथ, और वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, और वो सचिन के इस बिहेवियर से इम्प्रेस है कहीं ना कहीं। इधर गेस्ट के सामने दोबारा रेणुका सयाली की इंसल्ट करती है कि उसका पुअर स्टेटस है, वो एक गरीब घर की है। वो अप्रिशिएट करती है बहुत ज़्यादा रेणुका को, डिस्क्राइब करती है कि वो कितनी उम्मीद है अपने तीखे शब्दों में। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जिस तरीके से बार बार सयाली को जलील करती है रेणुका, क्या एट लास्ट उसे समझ आएगा कि काम के बहू सिर्फ रेणुका ही है, सयाली उसकी अच्छी बहू सिर्फ सयाली ही है, रोशनी नहीं। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल, ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।